हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जनरल मैटिस आए हुए हैं पाकिस्तान में जी, और एक चीज़ ज़रा जहन में रख लीजिएगा कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो बिल्कुल रोलर कोस्टर की तरह रहे हैं। और कहा यह जाता है कि जब अमेरिका का इंटरेस्ट होता है पाकिस्तान के अंदर तो हालात अच्छे हो जाते हैं, ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं। जब अमेरिका का इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं होता तो वो उनके हमारे साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। और एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, उसको कहते हैं जनाब कि दोनों ममालिक के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। नाउ माय पॉइंट इज़ कि जनाब मिसअंडरस्टैंडिंग का लफ्ज़ उस वक्त यूज़ किया जाता है, या मिसअंडरस्टैंडिंग उस वक्त क्रिएट होती हैं जिस वक्त इंटरेस्ट नहीं होता पाकिस्तान के अंदर। एनीवेज मेरे पास कुछ सवालात हैं। मैं चाहता ये हूँ कि जब जनरल मैटिस आज से कुछ 3-4 हफ्ते पहले इंडिया गए थे तो उस वक्त उन्होंने कुछ कंसर्न्स अपने रेज़ किए थे अबाउट सी पैक, और उसके बाद उस उन कंसर्न्स को क्लैरिफाई भी किया गया, स्टेट डिपार्टमेंट ने उनको क्लैरिफाई भी कर दिया। बट देन अगेन ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में अगर इलम नहीं होता जो भी यहाँ पे डिप्लोमेट्स आते हैं अमेरिकन, और बाद में स्टेट डिपार्टमेंट को क्लैरिफिकेशंस देनी पड़ती हैं, तो वो भी एक अच्छा तासुर नहीं जाता है। देन अगेन अमेरिका ने अगर कहा जाए कि हमेशा पाकिस्तान पर जुल्म किए हैं तो वो भी गलत होगा। मेरे ख्याल में कई मरतबा ऐसे है हुआ है 1947 से लेके ऑनवर्ड्स आज तक कि अमेरिकन्स ने पाकिस्तान को बेल आउट भी किया है, और वो जब बेल आउट किया है उन्होंने, देयर सो मेनी पॉइंट्स जहां पे अमेरिकन्स ने पाकिस्तान को बेल आउट किया है। बट मेरे ख्याल में अमेरिकन्स जो हैं वो एक अमेरिका एक मुल्क है जिसको लैंड ऑफ इनोवेशंस कहा जाता है, बट देन अगेन मेरे ख्याल में प्रॉबली अपने आप को अमेरिकन्स पाकिस्तान के अंदर मार्केट सही नहीं कर सके। और मार्केट इसलिए सही नहीं कर सके कि शायद मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि अपनी उनका जो कनेक्शन था अमेरिकन्स जो थे द पीपल इन ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ पाकिस्तान, उनके साथ अमेरिकन्स अपने आप को शायद कनेक्ट नहीं कर पाए। कोई ना कोई वजूहात तो ज़रूर होंगी इसमें, और वजूहात जो मेरी नज़र में है वो डिफरेंट है। मैं अगर बोलना शुरू करूँगा तो मेरे ख्याल में सारा टाइम ले लूँगा, लेकिन मैं चाहता ही हूँ कि मेरे साथ मौजूद है वेरी सीजन्ड डिप्लोमेट जी, और पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं अमेरिका के अंदर, और 3-3.5 साल वहाँ पर रहे, और ओबामा के साथ, ओबामा की फैमिली के साथ उनके बड़े अच्छे रिलेशंस थे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे, उनकी एक्सेस थी ओवल ऑफिस तक, एंड ही कुड जुलानी साहब कुड जस्ट पिक अप द फ़ोन एंड और ही कैन जस्ट वॉक इनटू द ओवल ऑफिस। ये यहाँ तक उनके अच्छे ताल्लुकात थे ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। और मिशेल ओबामा भी अनअनाउंस्ड अक्सर औकात दिली लिबास जिलानी साहब जो हमारे एम्बेसडर थे अमेरिका में, उनके घर आ जाया करती थी। लेकिन अभी जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस आए हैं जनरल मैटिस जी, उनके बारे में मैं पूछना चाहूँगा, और पाकिस्तान अपना मुद्दा बयान कर पाया या नहीं कर पाया, या कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, क्योंकि एक चीज़ ज़रा जहन में रख लीजिएगा कि ट्रंप जो है वो अपनी पॉलिसीज़ जो बयान कर रहे हैं वो नेगेटिव हैं टूवर्ड्स पाकिस्तान, और इंडिया को वो बहुत अहम रोल देना चाहते हैं जनाब अफ़गानिस्तान के अंदर, और इस किस्म की सिचुएशन है। लेकिन इसमें से हम कैसे निकल सकेंगे और हम कैसे अपने ताल्लुकात अमेरिका के साथ बेहतर कर सकते हैं? जनरल लिबास जिलानी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑन माई शो जी। कुछ ही हफ्ते पहले जनरल मैटिस आए थे जी, 3-4 हफ्ते पहले इंडिया गए थे, और वहाँ पे उन्होंने ऑब्जेक्शंस रेज किए थे अबाउट सी पैक जी। व्हाट वर दोज ऑब्जेक्शंस जी, और क्या अमेरिका ये ऑब्जेक्शंस रेज कर सकता है, और कर सकता है तो क्या व्हाट है, क्या थे ऑब्जेक्शंस जी, वो ज़रा आप बताना चाहेंगे?
جی رانا صاحب شکریہ آپ نے مجھے اس اہم موضوع کے اوپر مجھے آپ نے دعوت دی اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے. آپ نے جو سب سے پہلا جو سوال اٹھایا وہ تھا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے بارے میں, اور اس کے متعلق جنرل میٹس نے جو یہاں پر ایک جو سٹیٹمنٹ دی تھی اپنے ہندوستان کے دورے کے بعد. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ نہ صرف پاکستان میں سب لوگوں کو حیرانگی ہوئی بلکہ اس میں امریکن ایڈمنسٹریشن کے بھی لوگوں کو بہت ہی حیرانگی ہوئی ہوگی, کیونکہ میں جیسے آپ نے ناظرین کو بتایا کہ میں امریکہ میں پاکستان کا سفیر رہ چکا ہوں, اور پچھلے 3-3.5 سال میں جب کہ میں وہاں پہ موجود تھا, اور اس سے پہلے بھی میں جب پاکستان میں فورن سیکرٹری تھا, تو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے بارے میں ہمیں امریکن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک سپورٹ ملتی رہی ہے. اس میں ان کا یہ موقف یہ تھا کہ پاکستان کے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور وہ ایک ریجنل کنیکٹیویٹی کا پروجیکٹ ہے, اور اس سے خطے کے جو لوگ ہیں عوام کو اور خطے کے ممالک میں جو اکنامک پراسپیرٹی آئے گی, تو اس میں انہوں نے بہت ہی اس کو اس پروجیکٹ کو سپورٹ ہمیں ملا کرتی تھی. تو جنرل میٹس نے اس سٹیٹمنٹ جو دی, میرے خیال کے مطابق یہ ایک انڈین نیریٹو تھا جس کا انہوں نے اظہار کیا. مجھے امید ہے کہ اپنے اس دورے کے اندر وہ پاکستانی ہماری جو پاکستانی حکام نے, ہمارے وزیر اعظم نے بھی, ہماری فورن آفس نے بھی اس کو پرزور سے طریقے سے اس کو ان کو کلیریفائی کیا تھا اس پوزیشن کو, اور ہمیں اس سلسلے میں جو بیسک آبجیکشن تھا جو انہوں نے ریز کیا کہ یہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور یہ ایک ڈسپیوٹڈ ایریا سے یہ گزرتا ہے, تو اس میں ہم نے امریکہ کو یہ یاد دلانے کی کوشش کی کہ منگلہ ڈیم جب امریکہ نے بنایا تھا تو منگلہ ڈیم بھی ایک ڈسپیوٹڈ تھا, اور یہ ایسا علاقہ ہے جس کو پاکستان کلیم کرتا ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بننا چاہیے, نہ صرف جو موجودہ پاکستان کشمیر ہے بلکہ آزاد کشمیر, بلکہ جو کہ ہے اس وقت ہمارے ساتھ ہے, بلکہ جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کو بھی پاکستان کا حصہ بننا چاہیے سیکیورٹی کونسل ریزولوشنز کے مطابق. تو مجھے امید ہے کہ یہ بات رجسٹر ہو گئی ہوگی امریکن ایڈمنسٹریشن میں, اور انہوں نے اس بات کو اس کی تردید بھی آئی, اور دوسرے دن مجھے خوشی ہوئی کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جنرل میٹس کی اس بات کو کلیریفائی کیا, اور انہوں نے کہا کہ امریکہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو سپورٹ کرتا ہے. اچھا یہ تو ہو گیا جی, چلیں انہوں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کلیریفائی کر دیا جنرل میٹس کی اسٹیٹمنٹ کو. ابھی جو ہے ایک ٹرمپ کی جو پالیسی آئی تھی ریسنٹلی جیلانی صاحب, اٹ واز ویری نیگیٹو ٹورڈز پاکستان, اور اس کا امپیکٹ بھی اگر دیکھا جائے تو بہت نیگیٹو پڑا عوام پہ بھی. عوام نے بھی اس کو عوام لائک پاکستانی عوام نے اس کو دے ٹوک اٹ ان اے بیڈ ٹیسٹ. ہم نے جو ریئیکشن دیا ٹرمپ کی نیگیٹو پالیسیز پر جو پاکستان کی طرف تھیں, اس کا کوئی ہمارا مدعا جو ہے وہ کوریڈورز آف پاور میں, یو ایس کوریڈورز آف پاور تک پہنچا, اور اگر پہنچا تو اس کا کیا نتیجہ کیا نکلا, یا پہنچا بھی کہ نہیں پہنچا؟ جی رانا صاحب, یہ اگین میں یہ کہوں گا کہ ہمارے لیے جو ٹرمپ کی جو August 21 کو جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ساؤتھ ایشیا کے بارے میں اپنی پالیسی کا جو انہوں نے اس کو آرٹیکولیٹ کیا, اس میں واقعی بہت زیادہ اس میں ایک غم و غصے کا اظہار پورے ہمارے پاکستان میں کیا گیا, اور ایک حیرانگی بھی ایک ہوئی ہماری تمام ساری ملکوں کو, نہ صرف پاکستان میں بلکہ اس پالیسی کو کرٹیسائز کیا گیا, امریکہ میں بھی کافی سارے جو دانشور تھے انہوں نے بھی اس کو کرٹیسائز کیا. اس واسطے کرٹیسائز کیا کہ ابھی جو ریپبلکن ایڈمنسٹریشن ہے جو ابھی موجودہ امریکہ کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جس کے ساتھ تعلق ہے ریپبلکن پارٹی سے,
जब ये कन्वेंशन हुआ था एनुअल कन्वेंशन इलेक्शन से पहले उनका रिपब्लिकन पार्टी का, तो वहाँ पे जो फॉरेन पॉलिसी मैनिफेस्टो अनवेल किया गया था तो उसके अंदर दो पैराग्राफ थे पाकिस्तान के ऊपर, और वो बड़े पॉजिटिव पैराग्राफ थे, और उसमें न सिर्फ पाकिस्तान की अहमियत को उजागर किया गया था अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अमेरिका के लिए पाकिस्तान को एक हिस्टोरिक ताल्लुकात का जिक्र किया गया था कि पाकिस्तान के साथ हमारे हिस्टोरिक ताल्लुकात हैं, और साथ ही उसमें ये एक बहुत अहम बात की गई थी उस रिपब्लिकन पार्टी के मैनिफेस्टो में, फॉरेन पॉलिसी मैनिफेस्टो में, कि पाकिस्तान के साथ पिछले चंद सालों में इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से जो ताल्लुकात में कोई एक दरार जो पैदा हुई है, वो रिपब्लिकन पार्टी जब भी बरसर इक्तदार आई तो उसको रिपेयर करने की कोशिश करेगी और उन ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर, हिस्टोरिकल ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश करेगी। तो उस हिसाब से एक बहुत ही हमें एक परेशान कुन बात थी जब ये उनकी ये स्ट्रेटजी अनाउंस हुई। लेकिन मेरे ख्याल में उसके बाद जो रिएक्शन पाकिस्तान में आया और उसके बाद जो इंटरेक्शन हुआ हमारे जो फॉरेन ऑफिस के दरमियान, हमारी हुकूमत के दरमियान और अमेरिका के दरमियान, उसमें मैं समझता हूँ कि काफ़ी बातों पे जो एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी उसको दूर करने की कोशिश की गई है। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे, उनका भी जो एक मीटिंग्स हुई थी यहाँ पर हमारे मिलिट्री हुकाम के साथ भी और पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ भी जो मीटिंग्स हुई वो बड़ी पॉजिटिव रही, और उसमें आपको मालूम होगा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन ने जाके ये वहाँ पे स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान के साथ हम पूरे एक एतमाद के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाना चाहते हैं और पाकिस्तान के साथ कोऑपरेशन को हम मज़ीद बढ़ाएंगे इंक्लूडिंग ऑन अफ़गानिस्तान, और उनके जो कंसर्न्स थे जो उन्होंने एक्सप्रेस किए थे उसको भी पाकिस्तान ने एड्रेस किया, और मेरा अपने ख्याल में उसकी वजह से वो जो एक नेगेटिविटी जनरेट हुई थी 21 अगस्त की जो प्रेसिडेंट ट्रंप की तकरीर की वजह से, उसमें काफ़ी हद तक उस ताल्लुकात में बेहतरी आई है। और मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है अमेरिका को होती है, और वो हमसे ही होती है मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब कि पाकिस्तान से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है। वाई, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती क्यों है? मैं ये समझ नहीं पाया आज तक, मैं मुझे ज़रा समझा दीजिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्या होती है। मेरे ख्याल में अमेरिका इज़ अ सोल सुपर पावर, और उसको तो मेरे ख्याल में किसी भी मुल्क के बारे में या किसी भी नेशन के बारे में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उनको तो हैंड्स ऑन इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हर चीज़ पे। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्या होती हैं? जी राणा साहब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन आपको इस बात को भी हमें मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि हमारी जो एक अमेरिका के साथ जो स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंसेस थी, जिस तरह 50s में थी या 60s में थी या 70s में थी या मिड 80s तक वो स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंसेस रहीं, तो वो आजकल के जो एक मौजूदा जो जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट है उसमें उस किस्म की हमारी स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंसेस नहीं हैं। और जब स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंसेस हमारे जो अपने इंटरेस्ट हैं, अपने मुल्क के जो नेशनल इंटरेस्ट हैं जिसको हमने सेफगार्ड करना है, अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं जिनको उन्होंने सेफगार्ड करना है, लेकिन उसमें अभी आजकल के एनवायरनमेंट में कोई मुमासलत नहीं पाई जाती। तो उस वजह से ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उसका डेवलप होना भी एक, मैं समझता हूँ कि एक नेचुरल सी बात है। और दूसरा, अगर मैं इस तरीके से इस बात को समझूँ जो आपने अभी की है कि जनाब जब इंटरेस्ट होता है अमेरिका का उस वक्त तो एवरीथिंग इज़ हंकी डोरी, लेकिन जब इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है अमेरिका का पाकिस्तान में तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं, लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग्स। राना साहब, हमें ये भी देखना पड़ता है कि जो एक मौजूदा
जो एक पिछले दो दिहाइयों से एक जो वर्ल्ड है दुनिया वो बहुत हद तक ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, जो अलायंसेज उसमें तब्दील हो रही हैं, ठीक है, और उसकी वजह से एक अमेरिका के अंदर अगर आप देखें तो काफ़ी सारी लॉबीज भी हैं जो कि काम कर रही होती हैं, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे अपने ख्याल में वो जो लॉबीज है वो क्रिएट कर रही होती हैं। ओके, जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान इस बात के बावजूद कि हमारी स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंसेस नहीं हैं, हमारी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान, अमेरिका एक अहम मुल्क है जिसके साथ ताल्लुकात को एक बेहतर रखना है, उनको पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री पे रखना है, हमें ये बावर कराने की ज़रूरत है अमेरिका को कि हमारे और उनके दरमियान जो जो मेन जो इशू रहा है पिछले 10 साल से वो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन रही है, और तो हमारे कोई बायलैटरल कोई और कोई इशू नहीं रहा, और वहाँ पर भी मैं समझता हूँ कि बेसिक पैरामीटर्स जो अफ़गानिस्तान की हैं उसके ऊपर हमारी कन्वर्जेंसेस हैं, इसलिए कि अमेरिका भी चाहता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर पीस एंड स्टेबिलिटी हो, पाकिस्तान की भी ख्वाहिश यही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर पीस एंड स्टेबिलिटी हो, बल्कि पाकिस्तान की, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए अफ़गानिस्तान की जो एक सलामती है और उसकी जो खुशहाली है वो पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत की हामिल है, इसलिए कि पाकिस्तान की अपनी जो सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है अफ़गानिस्तान की जो है जो स्टेबिलिटी पे। अब आप एक चीज़ की मिसाल देता हूँ कि अभी पिछले 6 महीने से या पिछले 1 साल 2 साल से पाकिस्तान के अंदर जितने भी टेररिस्ट जो इंसिडेंट्स हुए हैं उसके ताने बाने अफ़गानिस्तान से जाके मिलते हैं, तो इसलिए पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान से में अमन व अमान आए, अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी हो। एक और भी तो इशू है कि एक तो ट्रस्ट डेफिसिट अक्सर औकात हो जाता है बिटवीन अमेरिका एंड पाकिस्तान, दोनों में ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है, बड़ा सीरियस ट्रस्ट डेफिसिट होता है। दूसरा मसला ये है कि हमारे पे पाकिस्तान पे जोर डाला जाता है कि जनाब हकानी ग्रुप जो है उसकी मार कुटाई की जाए। अब हकानी ग्रुप जो है, जहाँ तक मुझे समझ आती है, हकानी ग्रुप जो है यहाँ पे जो उनका बेस था पाकिस्तान के अंदर उसको तो वाइप आउट कर दिया गया। अब हकानी ग्रुप तो अफ़गानिस्तान में मौजूद है और अफ़गानिस्तान में बैठ के वो कोई ना कोई जो भी उनके ऑपरेशन होते हैं वहाँ पे बैठ के करते हैं, लेकिन देन अगेन वी हैव अ पोरस बॉर्डर, और हमने अमेरिका को ये भी कहा है कि जनाब अगर आपके पास कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन है कि हकानी ग्रुप पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और यहाँ पे बैठ के कोई कार्रवाई कर रहा है तो वी आर रेडी टू गो फॉर अ जॉइंट ऑपरेशन, लेकिन उसमें भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन शेयरिंग नहीं मिली, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग नहीं हुई अमेरिका के साथ, अमेरिका ने हमारे साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयरिंग नहीं की। सो व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट, क्योंकि पोरस बॉर्डर सामने आपके, उसको भी देख लीजिए, हम क्या अब सील करने तो जा रहे हैं और क्या करें। नहीं, आपने सही फरमाया कि उनका एक कंसर्न था जो विद रिगार्ड टू हकानी नेटवर्क, लेकिन हमारा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हमने जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान में और साउथ वज़ीरिस्तान में और बॉर्डर रीजन बॉर्डर्स अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे जो ऑपरेशंस किए, जिसको पूरी हमारी कौम की हमायत हासिल थी और वो उसके लिए हमने बहुत ही कुर्बानियाँ दी, ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम ने बल्कि हमारी अफवाज ने बहुत कुर्बानियाँ दी, तो उसका नतीजा ये निकला कि हमने वो तमाम इलाका वो क्लियर करवा दिए। अभी पिछले दिनों एक यहाँ पर एक यूएस पाकिस्तान का एक ट्रैक टू डायलॉग हुआ था जिसके लिए पाकिस्तान अमेरिका से बहुत ही अहम वहाँ पे जो लोग तशरीफ़ लाए थे उनको भी ले जाया गया नॉर्थ वज़ीरिस्तान मीरान शाह, और वो देख के बहुत हैरान हुए और उनका जो परसेप्शन था पाकिस्तान के बारे में और वो भी चेंज हुआ काफ़ी। मैं ये समझता हूँ कि हमने काफ़ी वहाँ पर जो है जो एक जो जो ऑपरेशंस के ज़रिए एरिया को क्लीन अप कर दिया है। अब जो आपने बात की इंटेलिजेंस शेयरिंग की, हमारा मौक़िफ़ ये रहा है पिछले कई सालों से कि हमने तो नॉर्थ वज़ीरिस्तान क्लियर कर दिए है, ये लोग अफ़गानिस्तान वो चले गए हैं, वहाँ पे भाग गए हैं, और अगर क्योंकि पोरस बॉर्डर है आपने जिस तरह फरमाया और पोरस बॉर्डर के ज़रिए बेशुमार अफ़गान रिफ्यूजीज़ वो आते रहते हैं, अगर रिफ्यूजीज़ की एक आड़ में कोई लोग आ जाते हैं तो, और अगर हमारे साथ अमेरिका इंटेलिजेंस शेयरिंग करे
तो हम पाकिस्तान उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की जरूर अपना लेगा। मैं समझता हूं कि जो रिसेंट हमारी जो इंटरेक्शन हुआ है क्यों नहीं होती गिलानी साहब, उसके इंटेलिजेंस शेयरिंग क्यों नहीं होती, व्हाट आर द रीजंस? ही राणा साहब, रेक्स टिलरसन ने अपने विजिट के बाद, दौरे पाकिस्तान के बाद पिछले माह ये कहा था कि पाकिस्तान के साथ हम इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे, हमें उम्मीद है कि वो इंटेलिजेंस हमारे साथ शेयर करेंगे और हम ज़रूर, और जब अगर उन्होंने किया, कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान में बैठ के अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं तो पाकिस्तान उनके खिलाफ ज़रूर एक्शन लेगा, लेकिन उसके लिए हमें ज़रूरी है। अभी तक कोई जिलानी साहब ना वो कोई आपको इलम हो अगर इस चीज़ का कि अभी तक कोई ऐसे, क्योंकि र्यूमर्स ये हैं कि अमेरिकन ने पिन पॉइंट की हैं कोई मकामात पाकिस्तान के अंदर, वॉज दैट पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस शेयरिंग या वो कुछ अलग कुछ पॉइंट आउट किए इलाके पाकिस्तान के जहाँ से बकौल अमेरिका के अनरेस्ट क्रिएट किया जा सकता है या किया जा रहा है? राणा साहब, इंटेलिजेंस शेयरिंग ये होती है कि अगर एक वहाँ पर एक दहशत गर्दी का वाक़या हुआ है अफगानिस्तान के अंदर और अगर उनका परसेप्शन है कि ये दहशत गर्दी का वाक़या, ये लोग पाकिस्तान से आए थे या पाकिस्तान से डायरेक्ट हुआ था वो दहशत गर्दी का वाक़या, तो उसके बारे में अगर वो इतला देंगे तो वो उसके खिलाफ अपना वो लेगा। खाली ये पिन पॉइंट करना कि वहाँ पर मौजूद हैं, हमारे यहाँ तो जिस जगह पे भी आप जाए, बलूचिस्तान में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी और बल्कि पंजाब के कुछ हिस्सों में भी अफगान रिफ्यूजीज़ की बेशुमार तादाद है, तो उनको आपने आइडेंटिफाई करना कि कौन क्या करता है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए तो हमने कहा था कि एक पॉलिसी रिफ्यूजीज़ के बारे में भी इवॉल्व होनी चाहिए जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी और अमेरिका और बाकी जो उनसे हैं वो उसको एक पॉलिसी मुरतब करें ताकि ये लोग अपने इज्जत और एहतराम के साथ वापस अफगानिस्तान जा सकें, और अगर एक दफ़ा वो ये वापस चले जाते हैं तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। ये जो आप हम एक मैकेनिज़्म बना रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, एक जो फेंसिंग कर रहे हैं और उसको बॉर्डर को रेगुलेट किया जाए, यहाँ से रिफ्यूजीज़ इज्जत अपने इज्जत और एहतराम के साथ अपने मुल्क में वापस चले जाएं, तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा आइडेंटिफाई करना कि वो जो आते हैं वहाँ से लोग कि कौन आ रहा है और वो कौन किस किस्म की एक्टिविटी में मुलव्वस है। बहरहाल कहने का मकसद ये था कि अगर वहाँ से कोई पॉलिसी क्यों नहीं बनाएगी, क्यों डिले किया गया, क्यों उसमें एक्सटेंशंस दी गई अफगान रिफ्यूजीज़ को, क्या इट वाज इसको कैसे लेंगे आप, पॉलिटिकल साइड से विल नहीं थी या क्या मैनेज नहीं हो पा रही थी सारी सिचुएशन, ने पॉलिसी क्यों नहीं इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो सकी थी? वो मेरे ख्याल में एक तो अफगानिस्तान की हुकूमत की तरफ से भी रेजिस्टेंस थी क्योंकि वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक जो वहाँ की जो सी डिफ़िकल्टीज़ हैं उनकी रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उनकी डेवलप हो रही है और जो उनकी जो एक विद इन द गवर्नमेंट उनकी डिविजन्स पाई जाती हैं, तो उसकी वजह से उनकी तरफ से भी रेजिस्टेंस थी कि ये लोग अभी वापस ना आए। डोंट यू थिंक जिलानी साहब के वी शुड वॉच आर इंटरेस्ट, हमने तो काफ़ी उनकी यहाँ पे मेहमान नवाजी कर ली अफगानियों की, उसका सिला भी हमें मिल चुके हैं, मेरे ख्याल काफ़ी अच्छे सिले मिल चुके हैं, आई एम टॉकिंग इन द नेगेटिव सेंस, और काफ़ी अरसा भी हो गया, 30-35 साल गुजर गए, अब और कितना हम लोग उनको अपने सर पर उठा के फिरेंगे? जी अब आपने सही फरमाया, लेकिन बात यह है कि उसमें पर वो एक ह्यूमैनिटेरियन एलिमेंट आ जाता है, उसमें कुछ ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट्स हैं कि आप इनकी फैमिलीज़ को किस तरह ज़बरदस्ती धकेलें वहाँ पर, तो वो एक एलिमेंट आ जाता है। सारी दुनिया में जिलानी साहब किसी ने अगर किसी ने रिफ्यूजीज नहीं एक्सेप्ट करने होते तो वो तो उनको कैंपों में रखते हैं, वो तो अंदर घुसते नहीं देते अपनी लोकेलिटीज़ में, एंड दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट ऑल दीज थिंग, स्पेशली आफ्टर 9/11 तो दुनिया चेंज होगी, तो हम क्या अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, या हम लोगों में वो विल नहीं है, या हमारे अंदर वो लेट मी पुट इट दिस वे कि वो गट्स नहीं है? अगेन ये बात लंबी हो जाएगी, लेकिन मेरे ख्याल में
हमने कुछ इकदामात लिए थे पिछले चंद सालों में जिसके तहत हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू किया अफगान रिफ्यूजीज़ का, और काफ़ी हद तक एटलीस्ट 50-60% जो से अफगान रिफ्यूजीज़ हैं वो रजिस्टर हो चुके हैं, और एक दफ़ा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक उसमें बेहतरी आने के चांसेस हैं. और उसके बाद एक हमारा एक रेगुलर डायलॉग वो यूएन के साथ भी और अमेरिका के साथ भी और यूरोपियन यूनियन कम्युनिटी के साथ भी मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है ताकि हम उनको इस चीज़ को बावर करवा सकें कि इनको अब अगर वापस अपने मुल्क में रीसेटलमेंट किया जाए तो वो अफगानिस्तान के लिए भी बेहतर होगा, खित्ते हमारे मुल्क के लिए भी बहुत बेहतर होगा. अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रा थोड़ा सा दूसरी तरफ जाना चाहता हूँ. आपको याद होगा टेलीसन जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने कहा था जाके कि पाकिस्तान को हम थोड़ा मज़ीद वक्त देना चाहते हैं और वी वांट टू गिव पाकिस्तान सम मोर टाइम. और उसमें किस चीज़ के लिए मोर टाइम, मैं समझा नहीं इस बात को, कुछ थोड़ा एक्सप्लेन करें किस चीज़ के लिए मज़ीद वक्त देना चाहते हैं पाकिस्तान को, क्या क्या कंसर्न्स क्या थे और क्या बताएं हमें टाइम किस चीज़ के लिए चाहिए. उन्होंने बेसिकली उनका ये था कि हमारा एक कंटेंशन थी कि अगर हमारे साथ अमेरिका कोऑपरेट करे, हमारे से इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयर करे, अफगानिस्तान की हुकूमत भी उनके साथ भी हमारा जो सा एक डायलॉग शुरू हो. हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात हों, उनके साथ हमारे जो दूरियां पैदा हो गई हैं वो ख़त्म हों, उनके साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई हैं वो भी ख़त्म हों. और उसके लिए हमने कहा था कि जो अगर कोई वहाँ पर दहशतगर्दी का वाकया होता है अफगानिस्तान के अंदर तो उसको बजाय इसके कि वो फिंगर पॉइंटिंग हो एक पर्टिकुलर ग्रुप की तरफ से, एक हमारा एक प्रॉपर एक इंटेलिजेंस मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके तहत इस बात को डिटरमिन किया जाए कि कौन सा वो ग्रुप है जो रिस्पॉन्सिबल है उस काम के लिए. और दूसरी चीज़ ये है कि हमने ये भी कहा था और ये ऑफ़र किया था कि अगर पाकिस्तान से डायरेक्ट होता है, अगर कोई ऐसा कोई यहाँ पे कोई ऐसे एलिमेंट हैं जो कि यहाँ पे बैठ के दहशतगर्दी करते हैं जो कि हमारी अपने ख्याल के मुताबिक हमने उनको कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया है, और अगर अभी भी कोई ऐसे बाकी एलिमेंट्स हैं जो कि कर रहे हैं तो उनके बारे में हमारे साथ इंटेलिजेंस शेयर की जाए तो उस बात को अगर इसी तरह अगर देखा जाए, अगर जिलानी साहब अगर अफगानिस्तान से बैठ के पाकिस्तान के अंदर अगर टेररिज्म हो रही है तो उसको कौन सॉर्ट आउट करेगा, जैसे इंडिया इंडिया को रोल देना चाहते हैं. मतलब ट्रंप की एक पॉलिसी है कि वो इंडिया को अफगानिस्तान के अंदर एक रोल देना चाहता है और वो रोल बड़ा इम्पोर्टेंट देना चाहता है. अब अफगानिस्तान में बैठ के और अगर दहशतगर्दी हो पाकिस्तान के अंदर तो उसका ब्लेम किसको दिया जाएगा, अगर अफगानिस्तान के अंदर बैठ के बिलियंस ऑफ डॉलर्स वहाँ पे जनाब बांटे जाएं कि पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट क्रिएट की जाए तो वो हम किसको पकड़ेंगे जाके, और इंडिया को अगर रोल दिया जा रहा है अफगानिस्तान के अंदर अकॉर्डिंग टू द ट्रंप पॉलिसी तो फिर हम हमारा मुद्दा क्या है, हम कहाँ पर जाके अपना मुद्दा बयान करेंगे, और क्या अभी जब जो आए हुए हैं हमारे पास ये जनरल तो हम उनको जनरल को बताएंगे या जनरल समझ पाएंगे, जनरल जेम्स मिटिस जो है वो समझ पाएंगे इन चीज़ों को या हम समझा पाएंगे फॉर दैट मैटर. मुझे पूरा यकीन कामिल है राणा साहब के हमारी हुकूमत ने अमेरिकन साइड को बड़ी अच्छी तरीके से बावर करवा दिया है अपने जो कंसर्न्स हैं हिंदुस्तान से रिलेटेड. हिंदुस्तान जो रोल प्ले कर रहा है अफ़गानिस्तान में और अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है अफ़गानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, उसके बारे में हमने उनको ना सिर्फ ये कि तमाम वो सबूत भी हमने प्रोवाइड किए हैं, उनको तमाम सारी इंडिकेशन भी हमने दे दी हैं, और हमें उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि वो इसके बारे में ज़रूरी इकदाम करेंगे, हिंदुस्तान से भी बात करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि वो एलिमेंट्स जो अफ़गानिस्तान में बैठ के
پاکستان کے خلاف جس طرح سے وہ کاروائیاں کر رہے ہیں اس کو بھی وہ ضرور ٹارگٹ کریں گے. پاکستان نے کیا ثبوت ابھی تک دیے ہیں جیلانی صاحب؟ کون سے ثبوت دیے ہیں ایسے امریکنز کو کہ جناب وہاں پہ بیٹھ کے افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان کے اندر انڈیا فار دیٹ میٹر دہشت گردی کر رہے ہیں؟ کون سے ایسے ثبوت ہیں جو ہم نے دیے ہیں ان کو؟ کوئی آپ بیان کر سکیں گے؟ جی یہ رانا صاحب جب میں وہاں پہ موجود وہاں پہ پوسٹڈ تھا واشنگٹن میں جی تو ہم نے وہاں پر باقاعدہ ایک فولڈر جو ثبوت تھے اس میں تمام جی جی بالکل وہ آپ نے دیے تھے جو وہاں پر ایکٹیویٹیز کا جی تو وہ ہم نے ان کو وہاں پر امریکن ایڈمنسٹریشن کو دے دیا تھا. اور پھر ابھی ریسنٹلی جو کلبھوشن یادیو کا جو واقعہ ہوا اس سے تو بڑا اور کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا کہ جس طریقے سے, اور انہوں نے کنفیس بھی کیا ہے کہ ہم افغانستان کے ذریعے پاکستان میں اور بلوچستان میں کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی. لیکن یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں اس کے علاوہ, لیکن کیا ان چیزوں کو امریکنز جو ہیں وہ سیریسلی لیتے ہیں کہ جو ہم لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے یادیو کا گلبشن یادیو کا مسئلہ ہے یا اور جو سٹیٹمنٹس آتی ہیں فار دیٹ میٹر انڈینز کی طرف سے سٹنگ جو منسٹرز ہوتے ہیں وہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہوتے ہیں پاکستان کے خلاف, ان کو ہاؤ ڈو دے ٹیک اٹ؟ ہاؤ ڈو دا امریکنز ٹیک اٹ؟ ان کو اب مے بی وہ اگر پبلکلی نہ کہیں تو میں ہمیں ایکسپیکٹیشن ہے کہ امریکن آفیشلز اس کو جو اپنا اکراس دا ٹیبل وہ ضرور اپنے ہمارے کنسرنس کو ہندوستان تک پہنچاتے ہوں گے. اچھا چلیں, اگر مجھے چلیں آپ کہتے ہیں تو مان جاتا ہوں, لیکن دیکھیں ابھی سی پیک پہ بات کی جائے تو امریکنز کہہ رہے تھے جناب کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری پہ سی پیک بن رہا ہے. مطلب یہاں تک تو ایک سچویشن بن جاتی ہے امریکہ کے ساتھ ہماری کہ وہ ہمارا جو سی پیک ہے اس پہ بھی انگلیاں اٹھانی شروع کر دیتا ہے کہ جی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری پہ سی پیک بن رہا ہے. تو پھر یہ اگر اتنی خاموشی اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ وہاں سے انڈیا کی جانب سے اتنا اگریشن شو کیا جا رہا ہے, ٹیررزم ہمارے ملک کے اندر پھیلایا جا رہا ہے, اور تو پھر اس میں اتنا چپ رہ کر اتنا بات کرنے کے. ان کے اپنے کوئی فائنینشیل انٹرسٹس ہیں, اکنامک انٹرسٹس ہیں انڈیا کے ساتھ, انڈیا کے اندر امریکنز کے, اس لیے وہاں پہ ملٹی نیشنلز بیٹھی ہوئی ہیں, اس لیے امریکن ملٹی نیشنلز بیٹھی ہوئی ہیں اس لیے, یا کوئی اور ریزن تھے جی؟ نہیں, میرے اپنے خیال میں وہ جو سٹیٹمنٹ آئی تھی جنرل میٹس کی طرف سے ان کو غالباً مکمل جو ہے پکچر ان کے سامنے نہیں تھی, ورنہ وہ شاید وہ سٹیٹمنٹ نہ دیتے. چلے وہ تو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پہلے کہا, ڈپارٹمنٹ نے کلیریفائی کر دیا جی اس کو, جی اس کو کر دیا, ایک ایک مجھے کر دیا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ان کا ایک. میں سوری آئی ایم انٹرپٹنگ یو اگین بیکاز میں تھوڑے سے ٹائم کنسٹرینٹ سے, ایک مجھے چیز آخری بتا دیجیے گا کہ ہم ذرا سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیا وجوہات کیا ہیں. میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ لوگ بھی سمجھنا چاہیں گے کہ دیکھیں امریکنز نے بہت کئی اوقات پہ کئی مواقعوں پہ پاکستان کو بیل آؤٹ بھی کیا, ٹھیک ہے, اور پیسہ بھی لگایا, تو لیکن وہ اپنی مارکیٹنگ نہیں کر سکے پاکستان کے اندر, اپنے آپ کو مارکیٹ نہیں کر سکے پاکستان کے اندر امریکنز, یا اپنے جو ان کے جو ماسس تک جو پہنچنی چاہیے تھی ان کی بیل آؤٹ پیکیجز وہ نہیں پہنچ پائے, اپنے ساتھ اسٹریٹ کے اندر جو لوگ ہیں پاکستان کے اندر ان کو ساتھ نہیں ملا سکے. کیا ان کی مارکیٹنگ پالیسی واز اے فیلئر یا واٹ وینٹ رانگ اینڈ ویئر جی؟ میرا یہ آپ نے درست فرمایا کہ ہمارے ان کے ساتھ بڑی اچھی اکنامک پارٹنرشپ رہی امریکہ کی پاکستان کے ساتھ, پاکستان کی ٹریڈ انڈیا کے ساتھ کوئی $3.5 بلین کے قریب ہے, جو ہماری انرجی سیکٹر میں کی ڈیولپمنٹ میں انہوں نے کافی مدد کی. داسو ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹ جو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں وہ بھی اس میں انہوں نے کافی ہماری سپورٹ کی ورلڈ بینک کے اندر. اسی طریقے سے کاؤنٹر ٹیررزم لا انفورسمنٹ میں بھی ہماری کافی کوآپریشن رہی ہے ان کے ساتھ. ایجوکیشن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ایک ایسا
एरिया था जिसके अंदर काफ़ी उनकी तरफ से कोऑपरेशन होती रह गई। इसी तरीके से हमारा जो डिफेंस कोऑपरेशन वो भी काफ़ी बेहतर रही है काफ़ी सालों तक। हमारा एक डायलॉग रहा है उनके साथ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन और स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के लिए, उसमें भी हमारी अच्छी बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि दोनों साइड्स को के लिए ज़रूरी है कि वो एक दूसरे के बारे में एक पॉजिटिव नैरेटिव वो डेवलप करें। ये तमाम चीज़ें जो कोऑपरेशन जो हुई है दोनों ममालिक के दरमियान, जो पॉजिटिव कोऑपरेशन थी उसको अगर बेहतर पॉजिटिविटी की तरफ हम ज़्यादा फोकस करते और नेगेटिव इश्यूज को इतना हाईलाइट ना करते तो गालिबन पाकिस्तान के अंदर भी जो एक नेगेटिव सेंटिमेंट उभरा वो भी ना उभरता। तो एट द सेम टाइम मैं ये समझता हूँ कि दोनों ममालिक की कोशिश होनी चाहिए कि वो एक बेहतर नैरेटिव क्रिएट करें, क्योंकि चैलेंजेस हमें इस खित्ते में भी दरपेश हैं, वही चैलेंजेस अमेरिका को भी हैं, और आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अमेरिका की कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरत होगी, अमेरिका को भी पाकिस्तान की कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरत होगी, और इसलिए दोनों के लिए एक हमारा एक डायलॉग जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग है उसकी रिवाइवल मैं समझता हूँ बहुत ही ज़रूरी है। और वो स्ट्रेटेजिक